दोस्तों स्वागत है आपका एग्रोटेक पे। मेरा नाम है अमजद और आज हम आपके लिए लेके आए हैं खूबियों से भरा ट्रैक्टर फार्म ट्रैक 45 पावर मैक्स EPI। ये ट्रैक्टर काफ़ी शानदार लुकिंग के साथ में आता है और हमारे साथ में है विजय चौधरी जी जो कि राजस्थान ट्रैक्टर मशीनरी से हैं। ये इस ट्रैक्टर के बारे में बताएंगे, इसकी खूबियों के बारे में बताएंगे। तो राजेश जी, हमारे किसानों को अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम विजय सिंह चौधरी है जी और मैं राजस्थान ट्रैक्टर में हूँ जी। अलवर में फार्म ट्रैक डीलर है जिनके पास में। तो अब बात करते हैं अपन किसान भाइयों जी इस ट्रैक्टर की। सबसे पहले बात करते हैं अपन बोनट की जी। सिंगल बोनट वाला ट्रैक्टर है ये। इसको खोलने में कोई परेशानी नहीं है, बड़ी आसानी से खुलता है। इसका लॉक दिया हुआ है यहाँ पे जी। इसको आप ऊपर की तरफ खींचोगे तो खुल जाएगा आराम से। सिंगल पीस बोनट है, सिंगल पीस बोनट है, कोई समस्या ही नहीं है, ज्वाइंट है ही नहीं बिल्कुल भी जी। एक्सल के बारे में बताइए। दूसरा ये एडजस्टेबल एक्सल दिया हुआ है, फ्रंट एक्सल जी। इसको आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो जी। जैसे पडलिंग में ट्रैक्टर चलता है जी, धान की जब जुताई होती है जी, तो इसको एडजस्ट करना पड़ता है। आगे पीछे अपने हिसाब से ये एडजस्ट हो जाता है के थ्रू जी। दूसरा हैवी ड्यूटी बम्पर लगा हुआ है और स्टाइलिश है। हाँ बिल्कुल, गाड़ियों की तरह शानदार है और वेट भी काफ़ी है जी। इससे फ्रंट लिफ्टिंग नहीं होती है, फ्रंट लिफ्टिंग होती नहीं है जी। दूसरा ये देखिए आप, क्रोम का ये बैजिंग दी हुई है इसमें, फार्म ट्रैक की बैज लगाया है जी। बिल्कुल क्रोम का है, शानदार लुक के साथ, शानदार लुक के साथ में। ये क्रोम की ये प्लेट लगाई हुई है, ये भी शानदार लुक के साथ में। और मॉडल दिया हुआ है यहाँ क्रोम के साथ ही, फार्म ट्रैक 45। हेडलाइट की बात करें अपन तो LED हेडलाइट है जो किसी भी ट्रैक्टर में नहीं आती, ट्रैक्टर में अभी तक आई नहीं है जी। दूसरी हम बात करते हैं मरघाट लैंप की जी। मरघाट लैंप ये भी LED में है, LED ही है जी, जो अभी तक आते नहीं है किसी भी ट्रैक्टर में। मरघाट में LED लैंप नहीं है, ये हमारे फार्म ट्रैक पावर, ये जो ट्रैक्टर है फार्म ट्रैक का, उसी में LED लाइट है जी। दूसरा अपन बात करते हैं गेयर बॉक्स की जी। साइड शिफ्टिंग गेयर बॉक्स है, कॉन्स्टेंट में आते हैं, कॉन्स्टेंट में है, 8+2 गेयर बॉक्स है, 8-2 का गेयर बॉक्स है, 8-2 का गेयर बॉक्स है। बड़ा ही मतलब आसान तरीके से गेयर लगते हैं जी, साइड से कोई परेशानी नहीं है। सीट अगर के बारे में बात करें अपन जी, सीट में दो तरह के एडजस्टमेंट है जी। एक तो है एक ड्राइवर अपने हिसाब से आगे पीछे कर सकता है, और एक ड्राइवर अपने वेट के हिसाब से इसको एडजस्ट कर सकता है ना। बात करते हैं ट्रांसपोर्ट लॉक की जी। कोई भी इम्प्लीमेंट अपन लगा के ट्रैक्टर में अगर रोड पे चल रहे हैं जी, तो इम्प्लीमेंट गिरे नहीं जी। लीवर तो गिर जाता है कई बार, लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं गिरे। उसके लिए ट्रांसपोर्ट लॉक दिया हुआ है कंपनी ने। इसको अगर आप लॉक कर देंगे तो इम्प्लीमेंट ऊपर ही रहेगा, नीचे गिरेगा नहीं, गिरेगा। हाँ जी, तो ये ट्रांसपोर्ट लॉक है। हाँ जी, हाँ जी। उसके बाद में हम बात करते हैं इसके और फीचरों की जो कि इसके एडवांटेज को बढ़ाते हैं। वो फीचर पीछे आप बताइए इसमें क्या है, पीछे के जो फीचर हैं काफ़ी शानदार कंपनी ने दिए हैं, उसके बारे में किसानों को बताइए। जी टिपिन टेलर जी, ये QRC कपलर है, ये टिपिन टेलर QRC कपलिंग के साथ टेलर वाली ट्रॉली को यूज करने के लिए QRC कपलर लगाया हुआ है जी। ये रिवर्सीवर भी है, रिवर्सीवर भी है। MB प्लाव आप चलाओगे, रिवर्सीवर MB प्लाव चलाओगे तो उसके लिए काम आता है ये जी। डबल एक्टिंग सिस्टम है, ये डबल एक्टिंग सिस्टम है, डुअल इसमें डिस्ट्रीब्यूटर दिए हैं, डबल वॉल्व। इसमें क्या है, ये स्टिकर दिया हुआ है जी, स्पूल वाल का जी। इसमें डबल और सिंगल दोनों एक्टिंग काम करती है, दोनों काम करती है। उसके लिए एक नॉब दी हुई है वहाँ जी, इसको एडजस्ट करना पड़ता है। अच्छा, फिर साइड में स्टे बार लगाई हुई है जी, ये वाली। हाँ जी जी, इम्प्लीमेंट लगाने के में बड़ी आसानी होती है, ये वाली पिन निकालो आप जी, और लोअर लिंक को जितना चाहो आप इधर से उधर कर सकते हो, लोअर लिंक को। तो आसानी होती है लगाने में, आसानी, एक ही आदमी इम्प्लीमेंट लगा लेता है जी। PTO के बारे में बताइए। PTO की अपन बात करते हैं तो ये MR PTO है जी। MR PTO का मतलब है मल्टी स्पीड PTO जी। MR PTO यानी ये गियर में काम करती है जी, अगर आप थ्रेसर में यूज ले रहे हो ट्रैक्टर को। MR PTO यानी MS PTO हो गया ना, मल्टी स्पीड PTO।
हाँ वो एक ही बात है जी, मल्टी रिवर्स पीटीओ है। हाँ ये बैक गियर में भी काम करती है। अच्छा, थ्रेसर अपन यूज कर रहे हैं, मान लो थ्रेसर पे भूसा भर गया जी, तो उसको निकालने के इसमें बैक गियर लगाओगे आप तो उल्टी घूमेगी भूसा बाहर। अच्छा, कोई परेशानी नहीं है। अगर रोटावेटर में अगर कचरा फंस जाता है तो आप रिवर्स रोटावेटर 540 आप उसमें ही चलता है पीटीओ में जी, रोटावेटर नहीं चलेगा एमआरपीटीओ में नहीं चलेगा। एमआरपीटीओ जब काम करती है जी तो जो गियर है अपना छोटा वाला, दो गियर जिसको बोलते हैं, वो न्यूट्रल रहता है। अच्छा, ट्रैक्टर चल नहीं सकता, आगे पीछे नहीं होता जी। उसके बाद में इसके रिडक्शन के बारे में बताइए, इसका जो रियर एक्सल है, पीछे का एक्सल है, वो काफी हैवी है। ये अपन बात करते हैं तो ये ईपीआई सिस्टम है जी, ईपीआई सिस्टम यानी के एपी साइक्लिक सिस्टम है, एपी साइक्लिक सिस्टम रिडक्शन है जी। इससे फायदा क्या होता है? मजबूत है, मजबूत है, हैवी से हैवी लोड लेके चलता है जी, और कोई टूट फूट की गुंजाइश नहीं है इसमें। अच्छा, हाँ जी, हाँ जी। उसके बाद में इसमें आपको ये डेफ्ट एंड ड्राफ्ट कंट्रोल बार के बारे में बताइए। ये क्या है मैं बताऊँ आपको, ये ऑटोमेटिक सिस्टम है इसका सारा जी, एडीडीसी हाइड्रोलिक है, एडीडीसी हाइड्रोलिक है ये जी। एडीडीसी का मतलब है ऑटोमेटिक डेफ्ट एंड ड्राफ्ट कंट्रोल सिस्टम। अच्छा, ये जब लीवर अपन सेट कर लेंगे ना जी, ये ऑटोमेटिक काम करेगी। गहराई अगर है, गहराई में टायर जाएंगे तो इम्प्लीमेंट भी गहराई में जाएगा। अच्छा, टायर अगर ऊपर आएंगे तो इम्प्लीमेंट भी ऑटोमेटिक ऊपर आएगा। हाँ जी, हाँ। तो ये कंट्रोल के बारे में हो गया, पीछे का जो कंट्रोल है उसके बारे में हो गया। अब टायर के साथ में ये बड़े टायरों के साथ में आता है, 14-9-28 के इसमें टायर आते हैं, आगे के 6-16 के टायर हैं, और ये 650 के हैं इसमें, 650 के हैं इसमें, 650 यानी 6-16 के ही हैं वो, 650-16 है, 650-16 के टायर हैं आगे के। इसमें आपको डुअल एक्टिंग पावर स्टीयरिंग है, हाँ जी, बैलेंस टाइप में पावर जी। और इसके लिए अपन व्हील बेस की बात करते हैं जी, तो 2145 mm इसका व्हील बेस है जी, और इसका जो रेडियंस है, रेडियंस करीब 34 mm, 3400 mm का इसका रेडियंस। हाँ जी, हाँ जी। और अगर अपन इसकी बात करते हैं ग्राउंड फ्लोर की, तो 377 का इसका ग्राउंड क्लियरेंस है इसका। हाँ, हाँ जी, हाँ जी। और ड्यूल क्लच में आता है ये, ड्यूल क्लच के साथ है, 52 HP में ये ट्रैक्टर आता है, 52 HP की कैटेगरी का ट्रैक्टर, इनलाइन पंप के साथ में है। इसमें बॉस्को का पंप कंपनी ने दिया, जो कि ट्रस्टेड कंपनी है बॉस्को, उसका पंप आपको यहाँ पे मिलता है। वाटर सेपरेटर जो डीजल से पानी को अलग करता है, वाटर सेपरेटर भी इसमें दिया है। ये ट्रैक्टर काफ़ी खूबियों के साथ में आता है। इसमें आप देख रहे हैं डीजल टैंक है, और डीजल टैंक की जो कैपेसिटी है वो 60 लीटर की है, यानी एक बार आपको डीजल भरवाना है और फिर छुट्टी है उसके बाद में। फिर हम बात करते हैं इसके डीजल फिल्टर की, तो ये डीजल फिल्टर है, सिंगल डीजल फिल्टर दिया है कंपनी ने। उसके बाद में बात करते हैं, पढ़े देखो कार कैसी स्टीयरिंग व्हील, कार जैसी स्टीयरिंग दी है इसके अंदर। इसमें एक कमाल का फीचर दिया है किसान भाइयों, जो हम आपको बताना चाहते हैं, इसके अंदर केयर डिवाइस दिया है, केयर बटन जो कि एक मोबाइल की तरह काम करता है, और इसमें बैजिंग भी दी हुई है केयर 24 डायरेक्ट, यानी कि आप 24 घंटे सातों दिन जी उपलब्ध रहेगा। और इसमें केयर बटन है, यहाँ पे आप उसको दबाएंगे तो कंपनी के पास में कॉल जाएगा और आपकी जो समस्या है उसको समाधान किया जाएगा। तो ये एक बहुत अच्छा फीचर है, एडवांटेज है किसान के लिए कि उसको टाइम नहीं लगेगा, उसका ट्रैक्टर खेत में खड़ा नहीं रहेगा और उसका समाधान जल्दी हो जाएगा। उसके बाद में हम बात करते हैं इस ट्रैक्टर के और फीचरों की, तो इसके अंदर आपको जो प्लेटफॉर्म है वो काफ़ी बड़ा सारा प्लेटफॉर्म मिलता है यहाँ पे, और इसमें हॉल दिए हुए हैं ताकि पटलिंग करते समय आपका पैर फिसले ना, उसका पूरा ख्याल रखा कंपनी ने। फुटस्टेपर दिया है जिससे कि आप आसानी से चढ़ सकते हैं। उसके बाद में हम बात करते हैं इसके ऑयल फिल्टर की, तो इसमें आपको बड़ा सारा ऑयल फिल्टर मिलता है जिससे कि इसकी जो फिल्ट्रेशन है वो काफ़ी ज़बरदस्त हो जाती है। वहीं अगर हम पंप की बात करें तो इसमें आपको डबल पंप मिलते हैं, एक हाइड्रोलिक का और एक आपको पावर स्टीयरिंग का, दो पंप आपको मिलते हैं जो कि ये 32 लीटर प्रति मिनट के हिसाब से ऑयल सप्लाई करते हैं, जिससे कि जो पावर स्टीयरिंग है और हाइड्रोलिक है वो आपकी स्मूथ तरीके से वर्क करती है, ज़्यादा वर्क करती है। हम आपको बात करते हैं इसके अल्टीनेटर की, तो इसमें आपको 12 वोल्ट और 35 एम्पीयर का अल्टीमेटर कंपनी यहाँ पे आपको देती है। बात करते हैं इसके साइलेंसर की, तो इसमें जो साइलेंसर है वो बैटर नॉइस के लिए बड़ा साइलेंसर दिया है, जो स्टाइलिश है।
ये साइलेंसर और यहाँ पे आपको कवर जाली दी हुई है, कवर लगा के दिया जिससे कि आपका हाथ वगैरह लग जाए तो जले ना। तो ये जो ट्रैक्टर है काफ़ी शानदार ट्रैक्टर आपको मिल रहा है। डैशबोर्ड है इसका, स्टाइलिश डैशबोर्ड है वैसे भी अगर देखा जाए तो। बाकी खूबी आपको बता दी हैं जो विजय जी हैं, उन्होंने आपको ये सारी खूबियाँ बताई हैं। और ये जो ट्रैक्टर है और काफ़ी शानदार ट्रैक्टर आता है और माइलेज इसकी शानदार है। बीघे के अंदर, एक बीघे के अंदर आपको रोटावेटर में आपको ये दो लीटर खाता है। अगर कल्टीवेटर की बात करें तो एक लीटर 400 ग्राम खाता है ये जो ट्रैक्टर है। आप अगर ये ट्रैक्टर लेते हैं तो आप राजस्थान ट्रैक्टर मशीनरी में आप जा सकते हैं, वहाँ पे विजिट कर सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं। विजय सिंह जी के नंबर आपको डिस्कशन में मिल जाएंगे। यही नहीं, आप कोई भी ट्रैक्टर लेना चाहे फार्म टेक का तो आप वहाँ पे जाके विजिट कर सकते हैं या फ़ोन पे बात कर सकते हैं। तो आई होप किसान भाइयों आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि हमने इस ट्रैक्टर के बारे में आपको पूरा जो डिटेल है डिटेल से हमने आपको समझाया है, बताया इस ट्रैक्टर के बारे में। अगर आप ये ट्रैक्टर लेने का सोच रहे हैं तो बहुत अच्छा ट्रैक्टर है और बेस्ट ऑप्शन है ये ख़रीदने के लिए, तो आप ये ट्रैक्टर लेके जा सकते हैं। मैं अमजद मिलता हूँ किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय जवान, जय किसान, जय हिंदुस्तान।